जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वेक्टर पे बेस्ड है। ठीक, क्वेश्चन है इफ, अच्छे से देख रहे, क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी इक्वल टू जे माइनस के, देन फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी एंड ए डॉट सी इक्वल टू थ्री। तो आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, ए और बी दिए हैं, और सी को आपको फाइंड करना है, लेकिन सी के लिए दो कंडीशंस गिवन है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है आपको पहले लिखना है आप अच्छे से। गिवन है आपका वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आपको आई प्लस जे प्लस के दिया है। ठीक, वेक्टर ए। वेक्टर बी जो दिया है आपको वो दिया है जे माइनस के कैप है। अब देखिए आप आई तो नहीं दिख रहा है ना, तो उसके लिए जीरो आई कैप लिख लेते हैं। ठीक है ना, और टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है वेक्टर सी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये लेट इसलिए क्योंकि हमने सी को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सपोज किया है, और जो कंडीशन दिया है क्या दिया है कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि जो ए क्रॉस सी है वो तो कितना है वेक्टर बी है, और जो ए डॉट सी है, ए डॉट सी है वो कितना है थ्री है। तो चलिए पहले तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी इक्वल टू यहां आई लेंगे, यहां जे लेंगे, यहां के लेंगे। ओके, आई जे के। चलिए ए के कोफिशिएंट क्या है, वन है, वन है और वन है, और सी के कोफिशिएंट क्या है आई जे के एक्स वाई जेड। तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ वाई आएगा और यहाँ जेड आएगा। ठीक, चलिए तो ये है आपका इक्वल। जब आई लेते हैं तो देखिए इसको और इसको छुपा लेते हैं, तो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई आएगा, और जब हम जे लेते हैं तो माइनस में आते हैं, इसमें माइनस में। तो ये देखिए ऐसे छुपा लेते हैं, तो पहले वन इन टू जेड, ऐसे ऐसे बहुत गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये पहले वन इंटू जेड होगा, करते क्या है एक्स इंटू वन कर देते हैं जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो क्या आएगा, इसको ऐसा छुपाया आपने तो जेड माइनस एक्स आएगा, और जब के कैप लेते हैं तो ऐसा छुपाते हैं तो वन इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वन एक्स, और ये जो है आपका वो बी के इक्वल है। तो बी आपका है कितना, जीरो आई कैप प्लस जे कैप और माइनस ए कैप। देखिए आपको बी यही दिया जी माइनस जी। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। तो देखिए जेड माइनस वाई इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, जीरो मिला एक ही क्वेश्चन, और जेड माइनस एस तो ये x माइनस जेड हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल टू, देखिए ये कितना है z माइनस x, माइनस इंटू करोगे तो x माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा वन। ये दूसरा इक्वेशन है, और तीसरा है आपका y माइनस x। तो जब आप y माइनस x लेंगे तो वो इक्वल टू है आपका माइनस वन, ये आपका तीसरा इक्वेशन है। ठीक, एक कंडीशन तो ये मिल गई, एक कंडीशन आपकी और है, वो क्या है a डॉट c इक्वल टू थ्री। तो जरा a डॉट c देख लीजिए, ये है a और ये है c, ये कितना आएगा x प्लस y, और यहां से कितना आएगा प्लस z इक्वल टू कितना है थ्री। ये आपको फोर्थ इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक, इन सब को क्या करिए आप जरा देखिए, इसे आपको क्या करना है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, किसको फर्स्ट और प्लस सेकंड, इनको ऐड करते हैं तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एक्स माइनस वाई, कितना आएगा एक्स माइनस वाई और इक्वल टू कितना आएगा वन। ओके, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन आया, और अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो कि हम ऐड किया है ये जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। अब देखिए वाई इक्वल टू जेड हो गया, ठीक है ना, वाई
इक्वल टू जेड और ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई प्लस वन, एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई इधर जाएगा। तो अब देखिए इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पे वाई प्लस वन ले लेते हैं, वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, जेड बराबर वाई कर देते हैं, ये थ्री आया। अब ये कितने हो गए थ्री, थ्री वाई इक्वल टू थ्री में से वन जाएगा टू, तो आपको वाई इक्वल टू कितना मिला टू बाई थ्री और यही जेड है, इसलिए सॉरी वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू टू बाई थ्री, और इसलिए जो एक्स है आपका एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन है तो ये आ जाएगा टू बाई थ्री प्लस वन, तो ये आ जाएगा फाइव बाई थ्री। अब देखिए x की वैल्यू भी आपको पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, z की भी, इसलिए जो वेक्टर c होगा आपका वो क्या होगा xi yj plus zk equal to x की वैल्यू क्या है 5 by 3 i कर, y की क्या है 2 by 3 j कर, और z की भी क्या है 2 by 3 z कर। तो इस तरह से आपको c मिल गया। तो वेक्टर में भी ऐसे सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप उनको क्या करते हैं अच्छे से सॉल्व करते हैं तो बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसका दूसरा वाला करा दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट कितना है ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी और बी डॉट। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आप क्या करते हो बोर्ड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हो। देखिए कैसे, पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड आपका सॉल्व कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है, ये क्रॉस बी का बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए का ए वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एन कैरेट का जो मॉड होता है एन कैरेट का जो स्क्वायर होता है वो वन होता है, इक्वल टू एन के मॉड का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको दे दिया, क्या दे दिया सिंपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब जरा देखिए राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है आपका वो है ए डॉट बी ए डॉट बी और ये है बी डॉट बी। अब पहले तो आप क्या करिए डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट डेफिनेशन से क्या आ जाएगा ए डॉट ए इंटू सिंपल बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का क्या होल स्क्वायर। तो देखिए ये डेफिनेशन है आपकी ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा ही होता है। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिएगा ए डॉट ए हो चाहे ए का स्क्वायर हो चाहे मॉड ए का वेक्टर का स्क्वायर हो, ये सब होते सिंपल ए स्क्वायर है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ए डॉट बी इक्वल टू ये होता है, ए डॉट ए हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब सेम है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो वन माइनस क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए ये दोनों रिजल्ट क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन की जो बेसिक बात है वो ये है कि एन कैप का स्क्वायर हो या एन कैप के मॉड का स्क्वायर हो यूनिट वेक्टर होता है इसलिए वन होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ये होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था ये वेक्टर के दोनों क्वेश्चन मैंने कर लिए। ठीक, थैंक यू।